के साथ ही राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। वहीं आज अम्बाला में श्रोमणी अकाली दल ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जनचेतना रैली का आयोजन करके हजारों की भीड़ जुटाने में कामयाबी हासिल की। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने रैली में विशाल जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों पर खूब हल्ला बोला। मैं बेनती करना है, हुन हालात की मैं देख रहे हरियाणा में टुकड़े टुकड़े पार्टियां हो गई हैं, पता नहीं कितनी पार्टियां बन गई हैं। खालसा जी, अब मौका है पंथ की शक्ति नु इकट्ठे करने का मौका है। तुसी याद करो जो भजनलाल ते बंसीलाल मुख्यमंत्री होंगे सी, थोनू अतवादी किया जाता सी, थोड़े डेरिया ते पुलिस आती सी, थोनू थोड़िया बसा थोनू करते होंगे सी। अपनी इस कौम की सब तो वड्डी दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल ने लगातार लड़ाई लड़ी है। तुसी देख लो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार ने टैंकां तोपां नाल अपने गुरुधामां ते हमला कराया, हजारां भैन भरावां दा कतलेआम किया। अज 34 साल लगातार श्रोमणी अकाली दल लड़ाई लड़ता रहा, तो अज खुशी है कि सज्जन कुमार नूं असीं अंदर करके जेल च पवा दिता। हुण टाइटलर की भी वारी है। हिंदुस्तान में पंजाब तो पहला सूबा है जिथे किसानों के ट्यूबवैलों के बिल माफ है, एक रुपया थानू देने की लोड़ नहीं। पंजाब 6,000 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने तो असी भरते हैं, पर पंजाब के किसान नुआंच नहीं आने दे। मैं क्या हरियाणा वाले हो, श्रोमणी अकाली दल के सिर पर हाथ रख दिया, थोड़े भी ट्यूबवैलों के बिल माफ कर देंगे। गल ये तो वड्डी पंजाब दे किसानां नूं तां ठगी मार गए। कहिंदे सी 80,000 करोड़, देता 1,600 करोड़। जे इह जी ठगी मारनी है तो फिर शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी नूं। गठबंधन की रणनीति भी हरियाणा के हावी होती नजर आ रही है, लगातार गठबंधन हो रहे ने, टुट रहे ने। क्या श्रोमणी अकाली दल अगले थोड़े दिनों तुहानूं पता लग जू।